अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। सो बेसिकली इन दिस वीडियो फ्रॉम दिस वीडियो हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एज वी हैव सीन दैट के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग कम्प्लीटली स्टडी करेंगे, समझेंगे कि बट बेसिकली इट इज़ इसमें कितने टॉपिक्स होते हैं, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, क्या क्या कंटेंट इसमें आता है हमारे पास, उन वो सब को वो सब डिटेल जितनी भी इसमें मेनली हमको इस ब्रांच ऑफ साइंस को स्टडी करने में, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करने में रिक्वायर्ड होती है, हम उन सब को गो थ्रू करेंगे। तो आज उस सीरीज की ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अच्छी तरह से समझेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद इसी का एक टॉपिक है, मतलब कि इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसमें हम लोग डीएनए के ऊपर डिबेट करते हैं कि जो आपके पास जेनेटिक मटीरियल है, वो मटीरियल जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करता है, वो कौन सा है। उसके ऊपर एक डिबेट है, कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको देखेंगे, जो कि आपको ये प्रूव करके देते हैं कि जो आपके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जो कैरेड आउट है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट इज बेसिकली कैरेड आउट बाय दिस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। तो आइए बगैर किसी तरह के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, तो अगर इसको डिफाइन करें, अच्छा एक बात, इसकी जो डेफिनेशन है और इसकी जो एक्चुअल स्टडी है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इट इज डिफाइन एज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब कि वो लाइफ को जितने भी मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट करते हैं, स्पेशली जो आपके पास बायो मॉलिक्यूल्स, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग उन तमाम को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, उन सबको हम लोग देखते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करके आए हैं, उसकी भी कुछ इसी तरह की डेफिनेशन है, राइट। मतलब कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसको आप लोग डिटेल में देखते हैं और हम लोग देख के आए हैं। लेकिन चूंकि ये आपके पास जो ये वाली डेफिनेशन है, ये कोरिलेट कर रही है इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के नाम के साथ, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि मॉलिक्यूल्स की बायोलॉजी, यानी कि द बायोलॉजी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन अगर हम लोग इसकी एक्चुअल स्टडी के ऊपर देखें, तो एक बात याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज ऑल अबाउट जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो आपके पास, देखें अगर मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँ, तो एज वी नो के जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी अगर डेफिनेशन नहीं देखें हम लोग इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लोग देखें, तो आपको पता है कि मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंस्टिट्यूट ऑफ दैट, मतलब कैसे होते हैं कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेल, राइट। ये इनका एक मतलब कि ये इनकी आपके जो प्रीमिसेस हैं, इसके ऊपर आपके पास इनकी सेल मेम्ब्रेन है, अंदर आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एक सेल के अंदर, और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको आप लोग डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जिसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होगा, और वो जो डीएनए है वो रैंडमली इस तरह से बिखरा हुआ होता है। तो ये आपके पास नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा कि जो आपके पास बायोकेमिस्ट्री है, जो आपके पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री, वो डील करती है इस न्यूक्लियस से लेकर इस सेल मेम्ब्रेन तक, मतलब कि इस न्यूक्लियस से बाहर और इस सेल मेम्ब्रेन तक जितनी भी मॉलिक्यूलर स्टडी है वो आपके पास आएंगी आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और जो इस न्यूक्लियस के अंदर है विच इज आपके पास दिस डीएनए, वो आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर उसको देखेंगे, मतलब कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ डीएनए, उसके स्ट्रक्चर से लेकर उसकी रेप्लिकेशन से लेकर उसकी ट्रांसलेशन से लेकर उसकी ट्रांसक्रिप्शन से लेकर एवरीथिंग विच कम्स अंडर यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब कि जेनेटिक मटीरियल की जितनी भी स्ट्रक्चरल स्टडी है उसको आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हम लोग जो है वो थोड़ा सा मतलब कि आसान हो जाए। अच्छा, नाउ व्हाट इट इज स्ट्रक्चरल, याद रखिए कि मैंने स्ट्रक्चरल लिखा है, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए इज कॉल्ड एज योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, अब मैंने फंक्शनल स्टडी क्यों नहीं लिखी, यानी कि अच्छा अब स्ट्रक्चर से मुराद लाजमी सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग मॉलिक्यूलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, नहीं, स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हर वो स्टडी जो कि उसके स्ट्रक्चर से लिंक हो। अच्छा, अब जो इसकी मतलब कि डीएनए की रेप्लिकेशन है वो भी इसके स्ट्रक्चर से लिंक होती है,
अब डीएनए की जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है वो भी इसकी स्ट्रक्चर से लिंक होती है। अच्छा, अब इसका मतलब कि इस डायग्राम से आप लोग मकसद ये मत लीजिएगा कि अगर ये डीएनए का कोई भी ऐसा कंपार्टमेंट बाहर जाता है तो वो इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर नहीं आता। नहीं, मैंने आपको बताया कि हर वो स्टडी जो कि डीएनए से लिंक करती हो उसको आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब मैंने ये क्यों कहा कि अगर बाहर जाएगा तब भी अंदर आएगा, मतलब कि बाहर जाएगा तब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वहां पर काम करेगी। आपने अक्सर जो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में सुना होगा कि जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज एक खास किस्म का एंजाइम होता है जो कि डीएनए को रीड करके एमआरएनए बनाता है, जो आपके पास एमआरएनए है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो साइटोप्लाज्म मतलब के इस न्यूक्लियस के बाहर डीएनए के आउटसाइड जाता है और जाकर साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वहां से वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो देखें, अब ये जो आपके पास एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए बनने तक का प्रोसेस भी आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था और एमआरएनए जो आपके पास प्रोटीन तक गया वो भी आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। अब प्रोटीन के बाद उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके पास जो है वो बायोकेमिस्ट्री डील करती है एवरी एस्पेक्ट, चाहे उसका बनना हो, उसका अपना फंक्शन परफॉर्म करना हो, इट कम्स अंडर बायोकेमिस्ट्री। लेकिन जब तक जहां तक आपके पास जो डीएनए की यानी कि न्यूक्लिक एसिड, इन शॉर्ट मैं यूं कह सकता हूं बिकॉज ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट वर्ड है, न्यूक्लिक एसिड, जहां तक न्यूक्लिक एसिड मूव करता है, न्यूक्लिक एसिड वहां तक आपके पास जो है वो आपकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो भी आपके साथ मूव करती है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन ये भी करना चाहता हूँ कि व्हाई डिड नॉट आई डिस्कस अबाउट द फंक्शनल स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखें, इसकी एक डिफरेंट ब्रांच होती है, मतलब कि द फंक्शनल स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, उसकी स्टडी करने की एक दूसरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसको आप लोग नाम देते हैं, आप लोगों ने अक्सर नाम सुन रखा होगा, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जिसको भी इंशाल्लाह हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। और उस जेनेटिक्स के अंदर आप लोग इस डीएनए की जो एक्चुअल स्टडी है यानी कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल उसको आप लोग जेनेटिक्स के अंदर देखते हैं और वहां पर जाकर आप लोग उसको जो है वो डील आउट करते हैं कि वो जो आपके पास डीएनए है वो किस तरह से एज अ हेरिडिटी मटेरियल काम कर रहा है, यानी कि किस तरह से जो है वो एक जीन अपने यानी कि एक इंडिविजुअल से उसकी ऑफस्प्रिंग में मूव करती है और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन मूव करती रहती है। वो जितने भी उसके अपने अलग एस्पेक्ट्स हैं उस डीएनए के उस साइड के, मतलब के द अदर पार्ट ऑफ द डीएनए विच एज अ हेरिडिटी मटेरियल, इट कम्स अंडर जेनेटिक्स। और ये अपने में बहुत बड़ी ब्रांच है, यू नो, मतलब कि इसकी बहुत अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन जहाँ तक बात रहती है डीएनए के स्ट्रक्चर की, डीएनए की रेप्लिकेशन की, डीएनए के अंदर जो उसका एक विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका जितना भी फंक्शन आता है डीएनए का विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा मैंने डिफाइन किया है, आई नो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी शायद मैं मिस कर रहा हूँगा, शायद मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन आई थिंक सो कि जहाँ तक बात रहती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में, तो आई थिंक वट वी हैव डिस्कस इट्स इनफ। सो भाई, ये बात करते हैं डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि किस तरह से हम लोगों ने, हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिन्होंने एट द एंड हमें ये प्रूफ करके दिया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो मॉलिक्यूल, वो पार्ट जो कि हेरिडिटी है, मतलब कि जो कि इन्फॉर्मेशन कैरिड आउट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, वो आपके पास डीएनए है। तो आइए, हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। सो एज वी नो कि हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट्स, राइट, जो कि आपको ये प्रूफ करके देंगे कि जो आपके पास डीएनए है वही आपके पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, राइट, राइट। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास एक्सपेरिमेंट आता है वो है आपके पास ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। अगर आपको इंटरमीडिएट याद हो, मतलब कि आपका कॉलेज याद हो, सेकेंड ईयर याद हो, तो उसमें आप लोग ये तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप लोग शायद आपको याद हो, आपने डिस्कस किया हो, मतलब कि आपने स्टडी किया हो, लेकिन इसको हल्का सा हम लोग इस जो वीडियो है उसके अंदर एडवांसमेंट में लेके जाएंगे। अच्छा, मैं ये जो आपके पास ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मतलब कि मैं ये एक रिमाइंडर वीडियो है, मतलब कि वो तमाम चीज़ें जो आप लोग अपने पास में करके आ चुके हैं उसको हम लोग यहाँ पर हल्का सा रिवाइज करेंगे, और जिसको इस सीरीज़ की जो एक्चुअल स्टडी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रॉपर हम लोग उसको देखेंगे, मतलब कि डीएनए एज अ मोनोमर स्ट्रक्चर एंड डीएनए आल्सो एज अ एग्जैक्टली पॉलीमर स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ग्रिफ्थ आपके पास, मतलब के नाम इनका कंप्लीट है आपके पास फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बिकॉज ये मेरे साथ आपको फ्री मिलेगा कि मैं स्पेलिंग में बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, देख लीजिएगा, इट विल बी अ लिटिल बिट रॉन्ग, शायद एडवांस में कह रहा हूँ बिकॉज मुझे अपना पता है ना। अच्छा, ग्रिफ्थ, अच्छा, ये जो आपके पास फ्रेडरिक ग्रिफ्थ साहब हैं, 1928 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बैक्टीरिया का यूज़ किया, किसका यूज़ किया, बैक्टीरिया और माइस यानी कि चूहे का।
अच्छा, सो जो आपके पास बैक्टीरिया था वो बहुत ही जाना माना बैक्टीरिया है, उसको आप लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकसस न्यूमोनिया। एज वी नो कि ये जो आपके पास बैक्टीरिया है ये खास किस्म का बैक्टीरिया है विच इज इन्वॉल्व इन कॉजिंग डिजीज नॉट ओनली इन ह्यूमन बट ऑल्सो इन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। अच्छा, माइस इज क्या, माइस एक चूहा, चूहे को आप लोग माइस कहते हैं। अच्छा नाउ, अब इस बैक्टीरिया के आपके पास तीन डिफरेंट स्ट्रेन होती हैं, देर आर थ्री स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स ऑफ दिस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, एस न्यूमोनिया, जिसको आप लोग टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री के नाम से भी जानते हैं, लाइक इट इज टाइप वन टू एंड थ्री। इस एक्सपेरिमेंट ने, इन फ्रेडरिक ग्रिफ्थ साहब ने दो टाइप का यूज किया, एक थी आपके पास जो है वो टू आर, टू आर राइट एंड थ्री एस, थ्री मतलब कि टाइप टू आर, इसका ये इसका कंप्लीट नेम है टू आर। अच्छा नाउ आर और एस इसका क्या मतलब है, नाउ आर मींस रफ एंड एस मींस एग्जैक्टली, आपको याद है स्मूथ। अच्छा अब स्मूथ और आर इसका क्या चक्कर है, देखें जो स्मूथ है, स्मूथ मींस दैट कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर कैप्सूल है, कैप्सूल, कैप्सूल। अच्छा अब कैप्सूल क्या है, आपको पता है कि बैक्टीरिया के बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब कि उसके पास सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद उसके अंदर एक बहुत ही खास किस्म की सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाडोग्लाइकन से बनी होती है, जिसकी भी दो टाइप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव वाली, ग्राम नेगेटिव वाली। इसके बाद जो आपके पास है उसके, अगर वो ग्राम नेगेटिव है ठीक है, तो उसके ऊपर एक स्लाइमी सी, एक थिक सी लेयर होगी एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस की, उसके बाद उसके ऊपर कैप्सूल हो सकता है, उसके बाद फर्दर स्ट्रक्चर होते हैं। तो कैप्सूल एक इस तरह का आपके पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि मोस्टली आपके पास पॉलीसेक्राइड का बना होता है, मोस्टली अगर इसकी बेसिक नेचर देखें तो इट इज अ पॉलीसेक्राइड इन नेचर, मतलब कि पॉलीसेक्राइड का जो है यानी शुगर होता है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा गंदा वाला एडवांस शुगर होता है। तो वो जो आपके पास पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल होता है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर होता है और उसको प्रोटेक्ट रखता है, मतलब कि इसका फंक्शन क्या है, इस कैप्सूल का प्रोटेक्शन। और जो रफ है मतलब कि टू आर, तो ये जो आपके पास टाइप टू आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसके अंदर किसी किस्म का कैप्सूल नहीं होता, मतलब कि नो कैप्सूल, और उस नो कैप्सूल की वजह से जो है वो ये जो ये वाला बैक्टीरिया है ये थोड़ा सा लेस पैथोजेनिक होता है, मतलब कि एज फार एज इम्यून सिस्टम इज कंसर्न, अगर उसको ये दो बैक्टीरिया डील करने को आए तो वो टू आर को, जो रफ है जिसके पास कैप्सूल नहीं है, उसको आराम से किल कर लेगा, और स्मूथ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा बिकॉज इट हैज़ दिस स्पेशल कैप्सूल विच इज एक्टिंग एज अ वेरुलेंस फैक्टर। याद रखिएगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता हो तो ये जो कैप्सूल है ये एज अ वेरुलेंस फैक्टर, मतलब कि ये वेरुलेंसी में इजाफा करता है। अब वेरुलेंसी क्या है, वेरुलेंसी इज अ कैरेक्टर ऑफ पैथोजेंस जो कि उनको होस्ट के अटैक से बचने में मदद देती है, तो एनी थिंग विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन वो आपके पास उसकी वेरुलेंसी में कंसिडर होती है। तो दिस कैप्सूल इज अ वेरुलेंस फैक्टर जो कि इस बैक्टीरिया को जो है वो सर्वाइव करने में और अपने होस्ट के अटैक से, उसके इम्यून सिस्टम से बचने में उसको हेल्प आउट करता है। अच्छा अब ये तो बात ही थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, अब इन दोनों बैक्टीरियों में से याद रखिएगा कि जो आपके पास स्मूथ वाला है, मतलब दिस थ्री एस, मुझे इसको मिटा देना चाहिए, दिस वन इट इज पैथोजेनिक, इट इज व्हाट, पैथोजेनिक मतलब ये डिजीज कॉजिंग है, और इट इज नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक मतलब के जो थ्री एस, जब भी आप लोग किसी भी मतलब कि ये जो थ्री एस है ये जाके जिस ऑर्गेनिज्म में जाएगा वहां पर जाके ये डिजीज कॉज करेगा। तो अब आपको सब कुछ समझ आ गया कि इस फ्रेडरिक ग्रिफ्ट वाले एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास बैक्टीरिया था वो कौन सा था, उसकी क्या क्या टाइप्स थी, और उस टाइप्स मतलब कि वो क्या क्या कर सकता है। 3S में आपको रिवाइज करता हूँ, 3S इज द स्मूथ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि इसके पास कैप्सूल होता है एंड इट कैन कॉज डिजीज, वाई, क्योंकि कैप्सूल होगा तो वो प्रोटेक्ट रखेगा उस बैक्टीरिया को फ्रॉम द होस्ट इम्यून अटैक और वो वहाँ पर डिजीज कॉज कर पाएगा। बट रफ के पास नहीं होता बेचारा, इसके पास कुछ नहीं है फॉर इट्स प्रोटेक्शन एज फार एज कैप्सूल इज कंसर्न, और जो आपके पास होस्ट इम्यून सिस्टम है उसको किल कर देगा, राइट। अब आपको समझ आ गया, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो लेट मी इरेज दैट फर्स्ट, ये दो टाइप अपने हाथ रखें, मैं इसको ऊपर लिख भी देता हूँ, टू आर एंड थ्री एस। ओके, तो एज वी नो क्या आपके पास कौन कौन से थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टाइप टू एस, सॉरी टू आर, टू आर, आर माने रफ एंड एग्जैक्टली टाइप
S means smooth. अच्छा, अब फ्रेडरिक ग्रिफ साहब ने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड वन थिंग, के फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेक अ टाइप 2R, ठीक है, और इंजेक्ट किया उन्होंने माउस के अंदर, चूहे के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया। जब इंजेक्ट किया तो एज वी नो कि ये R है, रफ है, मतलब कि इट इज लेस पैथोजेनिक एज फार एज 3S इज कंसर्न। तो जो माइस है उसने क्या कर लिया, वो सर्वाइव कर लिया, मतलब कि उस माइस ने, उस चूहे ने उस बैक्टीरिया को किल कर लिया वाया इम्यून सिस्टम, और उस बैक्टीरिया ने इसका कुछ नुकसान नहीं किया। लेकिन जब बात आई आपके पास टाइप 3S की, तो जब इस 3S को बेचारे माइस में डाला गया तो एज वी नो कि माइस इज डेड। क्यों? क्योंकि 3S कंटेन्स कैप्सूल विच प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम माइस इम्यून सिस्टम, मतलब कि चूहे के इम्यून सिस्टम से इस 3S के कैप्सूल ने उसको प्रोटेक्ट किया, और जब प्रोटेक्ट किया तो माइस ने वहाँ पर सर्वाइव किया तो अपने आप को डिवाइड किया, कॉलोनी बनाई, और डिजीज कॉज करके बेचारे चूहे को मार दिया। अब जब इन्होंने एक थर्ड टाइप ली, मतलब कि थर्ड इन्होंने मतलब कि तीसरे तरीके से उसको किया, मतलब कि एक तीसरे तरीके से इंजेक्ट किया इस माइस के अंदर, और वो ये किया कि दे एक्चुअली हीट फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि दे फर्स्ट ऑफ ऑल हीटेड 3S, मतलब कि जो खतरनाक वाला बैक्टीरिया था जिसके पास कैप्सूल था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हीट किया, डीजनरेट कर दिया उसको, और फिर इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर। तो एज वी नो कि अगर वो हीटेड बैक्टीरिया था तो उसने कुछ नुकसान नहीं किया होगा इस माइस का, एंड एग्जैक्टली जो माइस है They survive. Very good. अच्छा, अब जो लास्ट वाला केस है, मतलब के लास्ट वाला इसका जो सीन है, उसके अंदर सबसे मेन एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है, उसमें हुआ ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेडरिक ग्रिफ ने 3S को हीट किया, हीटेड 3S, और फिर उन्होंने उस हीटेड 3S को मिलाया आपके पास सिंपल नॉर्मल टाइप 2R से, ठीक है, और फिर इन दोनों का जो मिक्सचर था, मिलाने के बाद कुछ देर मिलाते हुए रखा, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इसको मतलब कि 3S को हीट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और हीट करके टाइप 2R के साथ मिक्स किया, मतलब कि स्मूथ को, जो कि हीटेड स्मूथ था, जो कि डीजनरेटेड डेड बैक्टीरिया था, डेड विरुलेंस, यानी कि डेड पैथोजेनिक बैक्टीरिया को नॉर्मल नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया, और कुछ देर रखा, ठीक है, और कुछ देर रखने के बाद उनका जो मिक्सचर था उसको उन्होंने इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर, और फिर क्या रिजल्ट आया, यस डेड चूहा हमारे कैप्चर। थैंक यू सो मच। तो अब दिस प्रूव्स दैट, अब ये जो लास्ट स्टेप है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, उसने ये प्रूव किया कि व्हाट बेसिकली हैपेंस। देखें, अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट के जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर हुआ ये खास किस्म का एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक लेस पैथोजेनिक बैक्टीरिया एक मोर पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट, मतलब कि ट्रांसफॉर्म होना, अपनी फॉर्म को, ट्रांस मीन्स चेंज एंड फॉर्म मीन्स एग्जैक्टली फॉर्म, अपनी फॉर्म को चेंज करना। अच्छा, अभी जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि एक लेस, देखें अब ओवरऑल इस लास्ट स्टेप में हुआ क्या कि जो आपके पास नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था 2R, वो जब कॉन्टैक्ट में आया डेड बॉडी ऑफ 3S बैक्टीरिया, मतलब कि नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि डेड है, लेकिन अभी भी उसके अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या जो DNA है, बिकॉज हमारा मेन फोकस क्या है कि DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें जो DNA है वो तो अभी भी होगा, मतलब कि डीजेनेटेड ही सही, लेकिन DNA होगा। तो जब इन दोनों को मिक्स किया गया, तो देखें ट्रांसफॉर्मेशन में होता यह है कि एक बैक्टीरिया जब वो डीजेनरेट हो जाता है, या इन शॉर्ट डीजेनरेट नहीं होता, वो अपने कुछ जेनेटिक मटेरियल को अपनी सराउंडिंग में भेज देता है, और जब वो आपके पास जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA सराउंडिंग में जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी सराउंडिंग से, यानी कि ऑलमोस्ट हर बैक्टीरिया के अंदर ये हो सकती है कि वो अपने सराउंडिंग से जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सेल के ऊपर एक्सेप्ट करेंगे, कुछ खास किस्म के रिसेप्टर होंगे जो उस जेनेटिक मटेरियल को कैच करेंगे, और फिर वो जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर चला जाएगा उस सेल के अंदर, और उस सेल के प्लाज्मिड के साथ, यानी कि बैक्टीरिया हैव अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट कि उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है जिसको आप लोग प्लाज्मिड कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ प्लाज्मिड, which is what, which is extra, extra means इजाफी या बाहर, extra chromosomal, chromosomal DNA, plasmid होता है, जो कि असल में उस incoming DNA को या incoming genetic material को accept करता है, और जब वो accept करता है तो वो जो नया
डीएनए है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है वो इस बैक्टीरिया की, जिसके अंदर एक्सेप्टेड वो जो आपके पास मतलब कि जिसके अंदर वो इनकमिंग जेनेटिक पार्ट आया है वो उसका हिस्सा बन जाता है, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस बैक्टीरिया के अंदर जिसने एक्सेप्ट किया है इसके अंदर कोड होने लगती है, और वो वाला फंक्शन भी यहाँ आ जाता है। इस किस्म के फंक्शन को आप लोग एक खास नाम देते हैं, यू कॉल्ड इट हॉरिजेंटल जेनेटिक ट्रांसफर, यू कॉल्ड इट हॉरिजेंटल जेनेटिक, मैं यहां पर लिखता हूं ट्रांसफर। एक तो होता है वर्टिकल ना, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, एक होता है हॉरिजॉन्टल मतलब कि विद इन द सेम स्पीसी मतलब कि विद इन द सेम टाइम, मतलब कि एक बैक्टीरिया से जो है वो एक खास किस्म का जेनेटिक मटेरियल निकले और उसी टाइम के ऊपर किसी दूसरे बैक्टीरिया में जो कि ऑलरेडी अडल्ट है, जो कि ऑलरेडी ग्रोन है, उसके अंदर जाके वहां पर एनरोल हो जाए। इस किस्म के ट्रांसफर को आप लोग हॉरिजेंटल जेनेटिक ट्रांसफर कहते हैं। अच्छा, तो आई होप सो कि आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो है लुबी लुबाव समझ आ गया होगा कि हाउ डज दिस जो आपके पास नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म इनटू पैथोजेनिक, और उसने उस माउस को किल कर दिया। इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक जो डेड बैक्टीरिया था उसके अंदर जो जीन था दे एक्चुअली ट्रांसलोकेट फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट इनटू दैट जीन, मतलब कि इनटू दैट बैक्टीरिया, ठीक है। और जब वहां पर एक नए नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ तो जाहिर सी बात है वो जो आपके पास जेनेटिक पोर्शन ट्रांसफर हुआ होगा इस केस के अंदर, उस बैक्टीरिया के पास जो कि नॉन पैथोजेनिक था उस जेनेटिक पोर्शन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होगी जो शायद कैप्सूल बनाने में हेल्प करे, और वो जो कैप्सूल बनाने वाली जीन होगी जब वो उस बैक्टीरिया के अंदर जाएगी जिसके पास कैप्सूल नहीं है, तो उस बैक्टीरिया के ऊपर जिसके पास कैप्सूल नहीं है उस जीन के आने की वजह से कैप्सूल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जब कैप्सूल बनेगा तो वो उस माइस के अंदर जो है वो सर्वाइव करेगा, और जब सर्वाइव करेगा तो एग्जैक्टली उसने उसको मार देना है। तो आई थिंक दिस इज द एक्चुअल ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। अब इस जो इसके बाद वाले एक्सपेरिमेंट है, ऑब्वियसली आपको ये समझ आया होगा, इसके जो बाद वाले एक्सपेरिमेंट है वो इसी की एक एडवांस फॉर्म है। अब ग्रिफ्ट के ही तीन आई थिंक स्टूडेंट थे या समथिंग कुछ थे, उनका नाम है आपके पास एवरी मैक्लॉयड एंड एमसी कार्टी। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एडवांस में डिस्कस किया, मतलब कि एडवांस में किया, जिससे ये क्लियर हो गया कि जो आपके पास डीएनए है वही आपके पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल। बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ना, बिकॉज डीएनए का डायरेक्ट रोल नहीं पता लग रहा। अब कोई ये भी तो कह सकता है ना कि शायद जो आपके पास प्रोटीन है वो जो है वो एक डेड बैक्टीरिया से जो है वो एक लाइव बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुए हो, या कोई दूसरा बायोमोलिक्यूल इस तरह से ट्रांसफर हो, मतलब कि इस पूरे सीन में डीएनए का तो कहीं रोल नजर नहीं आ रहा, डीएनए तो कहीं जाहिर नहीं हो रहा। ये तो हमने खुद अज्यूम किया है कि डीएनए गया हो, लेकिन नेक्स्ट फेज में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे ये प्रूव हो गया कि जो डीएनए है वही असल में गया होगा। तो भाई ये बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो भाई ये बात करते हैं इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि एज आई हैव सेड दैट कि उस प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के एक एडवांस फॉर्म है। इसके अंदर एवरी मैक्लॉयड मतलब कि अवेरी मतलब के तीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अवेरी मैक्लॉयड एंड एमसी कार्टी। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट का जो लास्ट वाला जो स्टेप था, जिसके अंदर मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि उसमें हुआ ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास ग्रिफ्ट थे उन्होंने उसको मतलब के जो आपके पास 3S टाइप का जो बैक्टीरिया था जो कि आपके पास पैथोजेनिक था उसको आप हीट किया, और हीट करने के बाद मिलाया किसके साथ, 2R के साथ, और उसको जो है वो उन्होंने जो है वो इंजेक्ट किया किसके साथ, यानी कि इंजेक्ट किया आपके पास उस माइस में यानी कि चूहे में, और चूहा जो है वो एग्जैक्टली डेड हो गया। ये जो आपके पास है ये वो लास्ट स्टेप था पिछले एक्सपेरिमेंट का। अब उन्होंने मतलब के इन एवेरी मैक्लॉयड और एमसी कार्टी ने इस लास्ट स्टेप को 4 डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट किया, मतलब के 4 डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म किया, 4 डिफरेंट वे, 4 डिफरेंट वेज। अच्छा, अब ये जो 4 डिफरेंट वेज हैं ये कंसिस्ट करते हैं इस पॉइंट को, मतलब कि जब मिक्स किया तो उन्होंने इस मिक्सिंग के दौरान कुछ नई नई चीजें की। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव परफॉर्म सेम एज अबव, मतलब कि जैसा इनिशियली किया गया था सेम एज अबव वैसा ही इन्होंने परफॉर्म किया, मतलब कि एग्जैक्टली हीटेड, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल 3S वाले बैक्टीरिया को हीट किया, ठीक है, और मिक्स किया और माइस के अंदर डाला, और एग्जैक्टली रिजल्ट भी एज वी नो कि जो माइस है वो डेड हो गया, माइस डेड। सेकेंड स्टेप में उन्होंने ये किया कि जो उनके पास जो मिक्सर बना था उसके अंदर उन्होंने एक एंजाइम ऐड किया जिसको हम लोग कहते हैं आरएनएस, आरएनएस, आरएनएस एक खास किस्म का एंजाइम होता है जो कि एग्जैक्टली आरएनए की क्लीवेज करता है। सो नाउ दिस टाइम दे एडेड आरएनएस इन द मिक्सर, और फिर एग्जैक्टली उन्होंने जो ये मिक्सर था अलॉन्ग विद दिस आरएनएस दे एक्चुअली इंजेक्ट इनसाइड द माइस, ठीक है, और रिजल्ट क्या निकला, माइस वर डेड। सिमिलरली, अच्छा अब मैं एक्सप्लेन भी इसको एंड में करूंगा कि क्यों डेड हुआ, ठीक है। अच्छा, अब नाउ इन थर्ड केस दे डू व्हाट, दे एक्चुअली टेक अ न्यू एंजाइम व्हिच इज नोन एज प्रोटीएज, सॉरी फॉर दैट, प्रोटीएज,
प्रोटीज एग्जैक्टली एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन की क्लीवेज करता है, एंड देन दे एडेड इन द मिक्सचर एंड इंजेक्टेड इनटू माइस, रिजल्ट वर सेम, माइस वर डेड. द फोर्थ वन हर जगह फोर्थ वन थोड़ा स्पेशल होता है. इस केस में उन्होंने एक एंजाइम लिया जिसको आप लोग कहते हैं डीएनएस, एक ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए की क्लीवेज करता है. नाउ व्हेन दे इंजेक्टेड इनटू द माइस रिजल्ट वर डिफरेंट. नाउ दिस टाइम माइस वर अलाइव, इस टाइम माइस ने सर्वाइव कर लिया, चूहा बच गया. अब ये देखते हैं कि बेसिकली ऐसा हुआ क्यों. देखें, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने जिस तरह से पिछले केस में ज्यूम किया था कि शायद डीएनए जो है वो एज अ जेनेटिक, मतलब कि एज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट काम किया हो और डेड बैक्टीरिया से अलाइव बैक्टीरिया में उसका मूवमेंट हुआ हो. लेकिन इन दिस केस अगर आपने डीएनए डाला उस मिक्सचर के अंदर, तो जाहिर सी बात है जब आपने मिक्सर में डीएनए डाला तो अब जो डीएनए मूव कर रहा होगा ये डीएनए उसके ऊपर एक्ट करके उसको क्लीव कर देगा. यानी कि अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि अब ट्रांसलोकेट करेगी. यानी जितना भी डीएनए एनवायरनमेंट में था वो सब इस एंजाइम की नजर हो गया. यानी कि इस एंजाइम ने उसकी क्लीवेज करके उसको खराब, मतलब कि तमाम कर दिया. अब देयर इज नथिंग व्हिच एक्चुअली ट्रांसलोकेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू द लाइव बैक्टीरिया. तो अब इस केस में जो आपके पास वो बैक्टीरिया था वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, मतलब कि अब वो नॉन पैथोजेनिक ही रहा. क्यों? क्योंकि आपने डीएनए डाल दिया, डीएनए ने डीएनए को जो कि जेनेटिक जो कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था उसको क्लीव कर दिया. अब ऊपर वाले जितने भी केस थे प्रोटीएज एंड आरएनएज, इस केस में जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग हुई बिकॉज जो प्रोटीएज है और जो आरएनएज है ये एक्ट करेंगे प्रोटीन के ऊपर और आरएनए के ऊपर, और ये दोनों जेनेटिक जो है वो एजेंट, मतलब कि जेनेटिक हेरिडिटी मटीरियल्स नहीं है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट भी काम करें और जो है वो एक बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दें. सो दिस प्रूव दैट के डीएनए ही आपके पास जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था जिसने आपके पास जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया था उसको जो है वो विरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट करके उस बैक्टीरिया की डेथ करवा दी. सो दिस प्रूव दैट के डीएनए इज आ जेनेटिक मटीरियल. सो ये था आपके पास एवेरी मैक्लॉयड और एम सी कार्टी के एक्सपेरिमेंट. अब आइए बात करते हैं हर्षा एंड चेज के बारे में. सो भाई ये बात करते हैं हर्षी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि आई थिंक सो कि वन ऑफ द मोस्ट सफिशियंट एक्सपेरिमेंट है जो कि ये प्रूव करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है. अच्छा, अब सीन कुछ यूं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हर्षी एंड चेज थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में तीन चीज़ों का यूज़ किया बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टेकन अ बैक्टीरिया, अगेन बैक्टीरिया, एंड देन दे हैव टेकन अनदर थिंग. नाउ इन दिस केस अ वायरस जिसको आप लोग बैक्टेरियोफेज कहते हैं. बैक्टेरियोफेज एक खास किस्म का वायरस है जो कि एज द नेम सजेस्ट बैक्टेरियोफेज, यानी ये बैक्टीरिया को खाता है. एंड देन एट द एंड दे टुक द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी. तो अब आइए अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं. इसमें मतलब इतना खास प्री एजम्पशन नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. अच्छा, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हल्का सा आपको जो है वो इशू कर सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपेरिमेंट. नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड मेड टू डिफरेंट मीडिया, मतलब कि एज वी नो कि लैब्स के अंदर जब आप मीडिया को ग्रो करवाते हैं, कल्चर करते हैं, तो आप लोग मीडिया बनाते हैं. तो इन्होंने दो डिफरेंट किस्म के मीडिया जनरेट किए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेड द पेट्री प्लेट, दो मीडिया, राइट. अच्छा, अब ये जो दो मीडिया थे ये हालांकि ऊपर ऊपर से बिल्कुल सेम, मतलब कि सेम मीडिया एज फार एज देयर कंपोजिशन इज कंसर्न, लेकिन छोटा सा डिफरेंस ये था कि वन ऑफ द मीडियम वॉज कंटेनिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ फॉस्फोरस आइसोटोप जिसको आप लोग कहते हैं P32. मतलब कि एक मीडिया ऐसा था, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा अपेरेंट हो, P32, ठीक है. एंड वन वॉज कंटेनिंग S35, यानी कि सल्फर 35. यानी कि एज वी नो कि जब आप मीडिया बनाते हो, ठीक है, तो आप लोग उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें डालते हो जो कि रिक्वायर्ड होती हैं उस मीडिया के अंदर ग्रोन ऑर्गेनिज्म के लिए. मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उसको ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए और डिफरेंट किस्म की चीज़ें चाहिए. इसी तरह से उनको ये एलिमेंट्स भी चाहिए बिकॉज आप पता है कि जो आपके पास फॉस्फोरस है वो आपके पास डीएनए बनाने में, वो आपके पास प्रोटीन बनाने में, वो आपके पास अदर डिफरेंट किस्म के जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए जो आपके पास फॉस्फोरस है वो रिक्वायर्ड होता है. इसी तरह से जो आपको सल्फर है वो भी रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन के अंदर, वो भी रिक्वायर्ड होता है आपके पास डिफरेंट किस्म के अदर बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर. कुछ खास किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टीन, जिसके अंदर आपके पास जो है वो सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है. तो उन्होंने क्या किया कि दो डिफरेंट किस्म के मीडिया बनाए. डिफरेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि एक के अंदर जो है वो फॉस्फोरस था वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था बिकॉज ये जो है वो P32 इट इज़ अ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और ये जो आपके पास S35 है यानी कि ये जो सल्फर है ये भी रेडियो एक्टिव है. देन उन्होंने क्या किया कि इस मीडिया के अंदर दे एक्चुअली इनोकुलेट बैक्टीरिया
राइट है, और इस मीडिया के अंदर भी दे एक्चुअली इनोकुलेट द बैक्टीरिया। अच्छा एंड नाउ दे लेफ्ट अबाउट फोर, मतलब के 4 to 12 आवर तक जो है वो इन कल्चर्स को जो है वो ग्रोन होने के लिए उन्होंने आई थिंक एक एनवायरनमेंट रखा होगा जहाँ पर उन्होंने मतलब के जो कल्चर के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया थे वो ग्रो हो चुके होंगे। देन अब जाहिर सी बात है कि इस मीडिया के अंदर विच कंटेन P32 जब कोई बैक्टीरिया ग्रो हुआ होगा, यानी कि जब डिवाइड हुआ होगा, मतलब कि जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तो उसे बहुत सारी नई चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो वो इस मीडिया से लेगा, और जब वो इस मीडिया से लेगा तो इस मीडिया में P32 भी प्रेजेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है और जो रिक्वायर्ड होगा उसको फॉर एग्जाम्पल DNA के बनाने में। इस तरह से जो इसमें मतलब कि जो इस मीडिया में ग्रो हुआ होगा बैक्टीरिया, ठीक है, उसके पास क्या होगा, यानी कि उस मतलब कि जब इस मीडिया में बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात जो नए बैक्टीरिया होंगे उन्हें ग्रो करने के लिए एग्जैक्टली सल्फर की भी रिक्वायर्ड होगी, फॉस्फोरस की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इस सल्फर को अपने अंदर जो है वो लेके आएंगे, और जब वो अपने अंदर लेके आएंगे तो वो अपने अपने जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर ये S35 का यूज़ करेंगे, यानी कि इस मीडिया में ग्रो हुआ बैक्टीरिया कंटेंट P32, एंड सिमिलरली जो जो बैक्टीरिया इस मीडिया में ग्रो होगा विच कंटेन S35 एज अ कंपोजिट एजेंट, उसके अंदर मतलब कि उस बैक्टीरिया के अंदर S35 जो है यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर वो प्रेजेंट होगा। देन दे डू व्हाट, मतलब कि देन हार्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज को मैदान में ले गया, मतलब कि देन दे टेक बैक्टीरियोफेज एंड देन दे अलाउ द बैक्टीरियोफेज टू अटैक बोथ ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब के बैक्टीरिया विच वॉज प्रेजेंट इन P32 कंटेनिंग मीडिया इसके अंदर भी उन्होंने मतलब अटैक करवाया, और सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो अटैक हुआ, राइट है, मतलब नाउ बैक्टीरिया हैड अटैक, नाउ द बैक्टीरियोफेज एक्चुअली हैड अटैक द बैक्टीरियम विच इज प्रेजेंट इन P32, एंड सिमिलरली दे आल्सो अटैक द बैक्टीरियम विच वॉज प्रेजेंट इन S35 कंटेनिंग मीडियम। अब आपको पता है कि जो आपके पास बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, उसका अगर हम लोग जनरल स्ट्रक्चर बनाएं, इसमें भी शायद थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इट्स लुक समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये इसका जो आप लोग देख सकते हैं, ये इसके ये जो है वो कैप्सिड होता है, कैप्सिड, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास जो है वो इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA भी इसके अंदर होता है, एल से जीनोम, विच इज बेसिकली DNA मोस्ट ऑफ द केस इन बैक्टीरियोफेज, RNA भी होता है लेकिन इस केस में DNA। आपको पता है कि कैप्सिड जो है वो एक खास ये प्रोटीन नेचर होता है, प्रोटीन और कैप और जो जीनोम हैज बीन लोकेटेड इज अ DNA, अच्छा यानी कि न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा कि अगर वो बैक्टीरियोफेज जिसने P32 में अटैक किया है, मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ, ये वैसे आपको बताया नहीं जाता, ये आपको एंड में कंक्लूड करवाया जाता है, लेकिन मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपना माइंड पहले से बना लें कि किस तरह से जो DNA है वो इस एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक मटेरियल प्रूव होने वाला है और प्रोटीन नहीं होने वाला। अच्छा अब देखें, अगर कोई बैक्टीरियोफेज जो है वो P32 मीडिया में ग्रो हुए हुए बैक्टीरिया को अटैक करेगा, ठीक है, तो जब इसकी यानी कि होता कुछ यूँ है ना कि देखें ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पर आपके पास जो है वो वायरस भाई साहब आए, ठीक है, और अटैक किया, यानी कि जब होता कुछ यूँ है कि वो जो उसका कैप्सिड है वो आके यहाँ पर अटैच होता है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस DNA में आता है, मतलब कि इस बैक्टीरिया में आता है, और ये जो DNA है इस वायरस का, ये इसको हाईजैक करके बहुत बहुत सारे अपने जैसे वायरस बनाता है, तो जो आपके पास नए वायरसेस बनेंगे, न्यू वायरसेस यानी कि न्यू बैक्टीरियोफेजेस इन द केस ऑफ P32, तो उसके अंदर अगर फॉस्फोरस है तो ये जो नए वायरसेस होंगे उसका जो जीनोम होगा उसके अंदर भी P32 होगा, है ना, क्योंकि फॉस्फोरस इज अ पार्ट ऑफ DNA, और अगर ये DNA का पार्ट है तो जब नए वायरसेस बनेंगे यानी कि नए वायरस का जीनोम बनेगा तो उन नए वायरस के जीनोम बनने में फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी, और फॉस्फोरस कहाँ से लिया जाएगा, या तो बैक्टीरिया से या तो एनवायरमेंट से, और दोनों के अंदर ही क्या है फॉस्फोरस, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो हुआ है इस मीडिया में, तो अगर ये बैक्टीरिया अगर ग्रो होगा तो इसको भी ग्रो करने के लिए फॉस्फोरस चाहिए होगा, तो ये अपने एनवायरमेंट से लेगा, यानी इन छोड़िए कि द बैक्टीरियोफेज विच आर एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दिस P32 मीडिया इट कंटेन P32, एंड सिमिलरली वो बैक्टीरियोफेज जो कि उस बैक्टीरिया से बने हैं जो कि S35 में ग्रो हुआ है उसके पास उसके कैप्सिड के अंदर, बिकॉज सल्फर इज अ पार्ट ऑफ सम अमाइनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन, ठीक है, तो जो आपके पास S35 के बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो होने वाले जो बैक्टीरियोफेज होंगे उनके कैप्सिड के अंदर आपके पास ये S35 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। सो अब हुआ कुछ यूं कि हार्शी एंड चेज ने इन दोनों मीडिया से सैंपल लिए, हार्शी एंड चेज दे टेक व्हाट, दे टेक सैंपल फ्रॉम बोथ द मीडिया, यानी कि P32 से भी लिए एंड एग्जैक्टली S35 से भी लिए,
और सैंपल लेने के बाद, लेट मी रेज दैट बिकॉज आई नीड स्पेस, आई होप सो कि आपने नोट कर रखा होगा, ठीक है। और फिर उन सैंपल्स की उन्होंने क्या की, सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। और फिर उसके अंदर जो आपके पास बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया, ठीक है, उनको क्लीव किया, और उनके अंदर जो आपके पास बैक्टीरियोफेज थे, क्या थे, बैक्टीरियोफेज, उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया। दैट इज व्हाट, सेपरेटेड, सेपरेटली मींस दैट के सेपरेटली दैट परफॉर्म सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ बोथ ऑफ द सैंपल, मतलब कि P32 वाले मीडिया से भी अलग सैंपल हुआ और S35 वाले से भी अलग सैंपल हुआ, और अलग अलग जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन हुई, अलग अलग क्लीवेज हुई, और अलग अलग जो है वो ये जो आपके पास बैक्टीरियोफेज थे वो सेपरेट हो गए। अब आपके पास दो किस्म के बैक्टीरियोफेज हैं, दो किस्म के आपके पास बैक्टीरियोफेज हैं। लेट मी राइट इट राइट अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, राइट, यानी कि एक वो है जिनके पास आपके पास जो है वो P32 है, मतलब कि रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है, एंड वन इज दैट जिसके पास आप, मतलब कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो S35, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर इस स्टेज में आपके पास दो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियोफेज हैं, वन विच कंटेन P32 एंड वन विच कंटेन S35। अब यहाँ से असल गेम शुरू होता है, अब यहाँ से आपको ये प्रूफ मिलेगा कि कौन सा जो है वो, मतलब कि कौन सा मॉलिक्यूल एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है और कौन सा नहीं करता है। ऑप्शन के यहाँ तक आपने नोट कर रखा होगा, अब हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं। नाउ एट दैट टाइम यू हैव टू थिंग्स, एट दैट टाइम यू हैव टू थिंग्स एंड बोथ आर बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल वन इज देयर, ठीक है, एंड सिमिलरली वन इज देयर, थोड़ा सा रफ है लेकिन आई होप सो कि आपको नजर आ रहा है। अच्छा, नाउ वन ऑफ देम इज P32 एंड अदर वन इज S35, राइट। अब इन्होंने ये काम ये किया कि अगेन इन्होंने दो डिफरेंट बैक्टीरियाज लिए, यानी कि मीडिया लिए, ऑफकोर्स, यानी कि दो डिफरेंट मीडिया लिए, ऑफ कोर्स बैक्टीरिया, राइट, और एक में उन्होंने P32 डाल दिया, यानी कि दैट बैक्टीरियोफेज विच कंटेन P32, एंड एक में उन्होंने वो बैक्टीरिया डाल दिया जिनमें, यानी कि वो बैक्टीरियोफेज डाल दिया, सॉरी, जिसमें S35 आपके पास प्रेजेंट था। अब जब ये डाला प्लाज्मिनों के, इसके अंदर जो भी आपके पास बैक्टीरिया होंगे उसके ऊपर ये जो है वो, ये जो दो बैक्टीरियोफेज है वो अटैक करेंगे, और उसी तरह से आपके पास जो जो आपके पास पूरी साइकिल होती है वायरल साइकिल, वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, सो आफ्टर दैट जो आपके पास हर्शी एंड चेस थे, उन्होंने ये किया कि आफ्टर द बैक्टीरियोफेज अटैक, कुछ देर बाद उन्होंने उस दो डिफरेंट मीडिया में से, एक वो था जिसमें P32 ने अटैक किया था और एक वो था जिसमें S35 ने अटैक किया था। नाउ दे टुक द सैंपल अगेन, सैंपल्स बोथ, मतलब कि सैंपल वन एंड सैंपल टू, सैंपल वन विच वॉज फ्रॉम देयर एंड सैंपल टू विच वॉज फ्रॉम दिस वन, यानी कि S35। अच्छा, अब यहाँ का जो सैंपल था, यानी कि यहाँ के जो बैक्टीरिया थे उनकी अगेन जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की गई, यानी कि आप जो रेस अ लिटिल बिट, मतलब कि यहाँ तक आपने, आपको मतलब के समझ आ गया, अब अटैक हो गया। अब हुआ ये कि जो सैंपल वन एंड सैंपल टू था, आई हैव टू राइट अगेन, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस हो जाना चाहिए, सैंपल वन विच कंटेन P32, यानी कि P32 कंटेनिंग बैक्टीरिया, एंड सिमिलरली सैंपल टू विच कंटेन एग्जैक्टली S35 कंटेनिंग, मतलब के सल्फर 35 वाले, सॉरी, मतलब के सैंपल वन वाले जो बैक्टीरिया होंगे उनके ऊपर P32 कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया होगा, और सैंपल टू वाले एग्जैक्टली जिनके ऊपर S35 कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज, सॉरी, इट वाज बैक्टीरियोफेज नॉट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया होगा। अच्छा, अब दे डिड व्हाट, दे डिड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ बोथ द सैंपल सेट सेपरेटली, सेंट्रीफ्यूगेशन, और उनके अंदर जितने भी वायरस नए बैक्टीरियोफेज थे, बैक्टीरियोफेज उनको सेपरेट कर लिया। नाउ यहां पर आपके पास दो किस्म के बैक्टीरियोफेज होंगे, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल ही रफ सा बन गया, लेकिन आप लोग काम चलाएं इसे, लेकिन आई होप ओके, नज़र आ रहा होगा ना आपको, समझ आ रहा होगा, दैट वर्ड्स मैटर,
एंड द अदर वन, अच्छा वन ऑफ देम विल बी आपके पास P32 वाला एंड अदर वन विल बी S35, यानी कि एग्जैक्टली ये आपके पास सैंपल वन होगा एंड दिस विल बी सैंपल टू। अब यहां पर इन दोनों बैक्टीरियोफेज का किया गया रेडियो एक्टिविटी टेस्ट एंड गेस व्हाट, अब ये फाइंड किया गया कि इन दोनों बैक्टीरियोफेज में से कौन सा बैक्टीरियोफेज जो है वो रेडियो एक्टिव है। सो जो आपके पास सैंपल वन था यानी कि P32 कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज, यानी कि वो बैक्टीरियोफेज जिसने P32 बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया था उसको जो है, मतलब कि वो वाला जो आपके पास बैक्टीरियोफेज था, इट वाज फाउंड आउट रेडियो एक्टिव पॉजिटिव एंड इट वाज रेडियो एक्टिव नेगेटिव। अब बेसिकली लेट अस अज्यूम दैट कि हुआ बेसिकली क्या और क्यों आपके पास यही P32 आपके पास रेडियो एक्टिव आया। देखें इनिशियली आपने दो ऐसे मीडिया प्रिपेयर किए थे जिसमें से एक के अंदर आपके पास P32 था और एक के अंदर S35 था। जो P32 था और S35 के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो हुए थे उन मीडिया के अंदर, उनके ऊपर आपने जो है वो बैक्टीरियोफेज से अटैक करवाया। फिर आपने क्या किया कि उन उस बैक्टीरिया को जिसके ऊपर बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया है उसको आपने उस मीडिया से सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करवाया। दोनों यानी कि दोनों मीडिया से दो दो सैंपल आपने सेपरेट करवा दिया। अब उसकी आपने की सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से आपने जो है वो उस बैक्टीरिया के अंदर जो नए बैक्टीरियोफेज थे उसको सेपरेट करवाया। अब उन नए बैक्टीरियोफेजेस के आपने अगेन अटैक करवाया दो डिफरेंट और नए मीडिया के ऊपर, यानी कि दो ऐसे मीडिया जो कि नॉर्मल थे जिनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो चुके थे और वो बैक्टीरिया जो नए मीडिया में थे उनके अंदर किसी किस्म के कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं था। यानी कि अब अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल आएगा तो वो उन वायरसेस से आएगा। अब आपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ करना था कि आया कि वो जो आपके पास प्रोटीन यानी कि S35, यानी कि जो आपके पास S35 था एज वी नो कि वो उस बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में था और कैप्सिड इज अ प्रोटीन, कि आया आपके पास कैप्सिड विद इस प्रोटीन वो आपके पास एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है या P32 कंटेनिंग DNA, बिकॉज DNA के अंदर यानी कि DNA के अंदर आपके पास P32 था। तो एट द एंड हुआ ये कि जो आपके पास P32 कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज थी यानी कि सैंपल वन वो आपके पास रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास DNA है विच वॉज इनिशियली फ्रॉम दैट मीडिया यानी कि विच वॉज इनिशियली टेकन यानी कि P32 कहाँ से आया, वो इनिशियल रेडियो एक्टिव मीडिया से आया। अब रेडियो एक्टिव मीडिया से आपके पास उस बैक्टीरिया में आया, बैक्टीरिया से आपके पास जो है यानी कि उस नए वायरसेस में आया। यानी इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास DNA है वही आपके पास जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है। अगर जो है वो P32 ना होता, मतलब कि सैंपल वन यानी कि बैक्टीरियोफेज विच हैज अटैक ऑन दैट बैक्टीरिया विच कंटेन P32, अगर इसके बजाय S35 होता यानी कि ये सैंपल टू वाले जो बैक्टीरियोफेज है अगर वो रेडियोएक्टिव निकल के आते तो वी विल से दैट कि जो आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपके पास प्रोटीन है। बिकॉज जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है वही आपके पास जो है वो जितने भी आपके पास जेनेटिक प्रोसेस है वो कैरिड आउट करता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव यू दैट, मतलब कि थोड़ा सा मिक्सअप हो चुका है लेकिन आई होप सो कि आपको इस जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो ओवरऑल एक कंक्लूजन है वो समझ में आई होगी कि दिस एक्सपेरिमेंट सेज दैट कि जो आपके पास DNA है इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल ना कि आपके पास प्रोटीन, और ये आपको एक्सपेरिमेंट इस तरह से जो है वो प्रूव करता है बाय द रेडियो एक्टिविटी टेस्ट कि जो आपके पास P32 है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द DNA इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। So that is it with this video. I hope so कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। If you like this video, so please do share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thank you so much for watching. Take care, sir. Goodbye.